उनकी एक बहुत ही इरिटेटिंग और गंदी आदत बताई है। अभी तक तो उसका परिचय नहीं हुआ है गंदी आदतों का। जो भी आदतें देखी है वो बहुत ही अच्छी है। गंदी आदत देखूंगा या इरिटेटिंग चीज देखूंगा तो बताऊंगा। तो अच्छी आदतों के बारे में बताइए। अच्छी आदतें बहुत ही, एक तो उसका फेस बहुत ही स्माइलिंग है, जब भी आओ हंसती रहती है। और हम तो दूसरी शूटिंग में से आते हैं, वो यहीं पर मोर और लेस यहीं पर ही रहती है, तो जब भी आओ स्माइलिंग अपना खुल के स्माइल देती है तो एक थकान से दूर हो जाती है, क्योंकि मैं रियल लाइफ में उसका फादर हूँ तो अच्छा लगता है। एक स्माइलिंग फेस है और जब भी वो स्माइल देती है अच्छा लगता है। शी इज़ गुड। आपका फेवरेट टीवी एक्टर कौन है और क्यों? बाकी लोगों से दुश्मनी होगी, आप मुझे बहुत ही फंदे में डाल रहे हैं, पर मुझे सभी लोग अच्छे लगते हैं। बट टीवी स्क्रीन में, मतलब टीवी में मेरा फेवरेट एक्टर, अगर मतलब जिसे मैं चाहता हूँ, काफ़ी नाम है वैसे। विक्रम गोखले मुझे अच्छे लगते हैं, अनंत जोग मुझे अच्छे लगते हैं, बाकी यंगस्टर्स तो सारे अच्छे हैं। तो ऐसे किसी एक का नाम, मेरे पास हॉरिजॉन्टल लिस्ट है, वर्टिकल नहीं है। आपकी फेवरेट टीवी सीरियल कौन सी है? मेरी फेवरेट टीवी सीरियल ऑफ कोर्स जो जिस सीरियल में मैं काम करता हूँ वो मुझे रोल अगर पसंद आए तो वो मेरी पसंदीदा सीरियल है। और इस वक्त जिन जिन सीरियलों में मैं काम कर रहा हूँ ये मेरी लाइफ है, कहता है दिल, मेरी पसंदीदा सीरियल इस वक्त वो है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। व्हाट इज हॉट? मिर्ची। एनीथिंग एल्स? मिर्ची से ज़्यादा हॉट ना आई डोंट थिंक सो कोई होगा। जैसे मुंह में हम लोग डालते हैं इट्स वेरी हॉट, मिर्ची हॉट है मेरे हिसाब से। हु डू यू थिंक इज द हॉटेस्ट आइटम बॉम्ब? सुतली बॉम्ब। अगर आपको टैटू लगवाना होता तो वो कहाँ होता और कैसा होता? देखो हम जितने ये रोल कर रहे हैं टैटू की तरह ही है, जो हमारे मुंह पे हम मेकअप करके वो रोल अदा करते हैं, और सारे टैटू लगवा के इसमें गड़बड़ नहीं करनी है। आपको अगर बॉडी पियर्सिंग करवानी होती तो कहाँ होती और कैसी होती? सॉरी, बॉडी पियर्सिंग मतलब क्या? क्या बॉडी पियर्सिंग मतलब? कान में होल या जैसे आज फैशन? मेरे कान में होल थे, मैं जब मतलब मैं हम लोगों में एक रिवाज है, मैं दोनों कानों में मोती के बिल्कुल कुंडल पहनता था, मैं 9 साल का था तब तक। अब ये एक दोबारा रिपीट एक फैशन सी हो गई है, तो मुझे वो बिग बॉली पहनना बहुत पसंद है जो टिपिकल पेशवास पहनते थे। इच्छा है कि करवाऊंगा एक दिन। कहाँ पे? कान। अगर आपको एक चांस दिया जाता कि आप किसी और की जगह ले ले तो वो कौन होता? नहीं नहीं, मैं किसी और की जगह नहीं लेना चाहता, ना किसी की कुर्सी छीनना चाहता हूँ। जो जहाँ है सही है। मैं एक्टर बनना चाहता था, एक्टर बन गया हूँ और एक्टर बन के ही अपनी ज़िंदगी पूर्ण करना चाहता हूँ। आपका सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट कौन सा रहा है अब तक? मैं एक सीरियल कर रहा था 1989 में, राव नाम की एक मराठी सीरियल थी जिसमें बाजीराव मस्तानी, मैं बाजीराव कर रहा था और मस्तानी कर रही थी अश्विनी भावे, लीना की हीरोइन थी उस समय। और मुझे मतलब मैं बाजीराव था, फर्स्ट शॉट था और एक आलिंगन था, यानी उनको बाजीराव और मस्तानी का मिलन होता है उस समय था। और डायरेक्टर ने बोला और बहुत मतलब पैशनेटिकली मिल रहे हैं आप, बहुत पैशन चाहिए मुझे, तो मेरे हाथ जो हैं वो अश्विनी जी के माथे पे गए और जैसे ही मैंने वो हाथ बाल में ऐसे मतलब बालों के पीछे ज़ोर से कस के पकड़ा, तो जैसे ही आलिंगन से हम मतलब अलग हो गए
मेरे हाथ में उनके बाल थे जो छोटे मोटे लगा थे. दैट वॉज अ वेरी एम्बरेसिंग मोमेंट थी मेरी लाइफ की. फर्स्ट टाइम कि मैं आलिंगन दे रहा हूँ और किसी लड़की के बाल मेरे हाथ में. आपका ये किरदार का एक फेवरेट डायलॉग सुना दीजिए. डायलॉग सेम स्टाइल में जो आप टीवी पे करते हैं. कौन सा सुनना चाहेंगे आप पे निर्भर करता है. कोई कोई भी डायलॉग एनीथिंग. ये मेरी लाइफ है. मैं जो मैं रसिकलाल मेहता करता हूँ. बहुत ही पिक्युलर गुजराती एक लहजा है उसमें. देखो बेटा तुमको जो भी डायलॉग सुनने का है ना वो बता दो. ये सीरियल का मत पूछो. जो पूछना है बराबर पूछो. समझा ने. ओके.